हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और ये नया नोटिस है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो चलिए मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। बट उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इन्होंने बोला था कि आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक। यहाँ पे बात हो रही है पंजाब हाईकोर्ट क्लर्क के बारे में। तो कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किए थे। सो इन्होंने बोला कि जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किए थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने राइट आंसर दे दिया। तो अभी भी आप लोगों को लगता है कि जो इन्होंने आंसर की प्रोवाइड करवाई है और दोबारा जो इन्होंने ऑब्जेक्शन जो आपने रेज किया वो सही करके दोबारा जो इन्होंने आंसर दिया वो गलत है, तो आप लोग क्रॉस ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो क्रॉस ऑब्जेक्शन रेज करने की जो इन्होंने डेट दी है वो 4 नवंबर 2022 से लेकर 6 नवंबर 2022, 4, 5 और 6, 3 दिन का टाइम दिया गया है। तो आप लोग लॉग इन करके वहाँ पे क्रॉस ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, लेकिन क्रॉस ऑब्जेक्शन वो ही माना जाएगा जो कि आप लोग का वैलिड, अगर आप लोग रीज़न और प्रूफ दोगे। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। वीडियो चले तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, इस क्रॉस ऑब्जेक्शन के बाद आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा।